मंगलवार को विदिशा की कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान कुरवाई के महलुआ चौराहा निवासी हरलाल अहिरवार अपनी व्यथा लेकर जनसुनवाई पहुंचे। उसने बताया कि मुझे 16 साल से वेतन नहीं मिला है। 4 साल मैंने सचिव की नौकरी की और 4 साल बाद मुझे हटा दिया गया, जिसकी शिकायत कई बार स्थानीय अधिकारियों को कर चुका हूँ, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं होती। मेरा सब कुछ चला गया, परिवार का पालन पोषण कैसे करूं? अगर मुझे न्याय नहीं दिलाया गया तो मुझे मरने के आदेश दिया जाए। वहीं इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ का कहना है कि हमने फरियादी के आवेदन पत्र की जानकारी जुटाई है, जिसमें कलेक्टर के आदेश पर फरियादी को सचिव के पद से हटा दिया गया है। इस संबंध में हम कुछ नहीं कर सकते। फरियादी को अपना आवेदन कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि उसे न्याय मिल सके। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। नहीं, इस संबंध में हमने संबंधित आवेदक को यहाँ भी बुलाकर उनसे सभी दस्तावेज चेक किए, उनसे बात की, और मेरे जो शाखा में कार्य करे उनको भी मैंने पूछा है कि पहले क्या कार्रवाई हुई है। तो सभी तथ्य और जो दस्तावेज है उसको देखकर ये तथ्य सामने आया है कि उनको 18 साल पहले हटाया गया था, उसके बाद 4 साल के बाद उनके जगह पे किसी दूसरे की नियुक्ति हुई है सचिव की। तो ऐसे में वो कलेक्टर सर द्वारा नियुक्ति हुई है। तो ऐसे में इन व्यक्तियों को पहले भी हमें मिले थे, उनको बताया था कि आप न्यायालय में इसको अपील करना चाहिए ताकि आपके जगह स्थान पर जिसकी नियुक्ति हुई है या वो उचित विधिवत हुई कि नहीं इसके बारे में वो चैलेंज कर सके। लेकिन आज दिनांक इनके द्वारा वो कार्रवाई नहीं की गई है और हमारे तरफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि इनके स्थान पे किसी और की पिछले 14 साल पहले नियुक्ति हुई है, तो कोई कार्रवाई पेंडिंग नहीं है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरलाल अहिरवार, ग्राम पंचायत महलुआ, जनपद पंचायत कुरवाई, महलुआ गाँव का में रहने वाला हूँ। आज आप तख्तियाँ लेकर आए हैं, क्या मामला जी साहब? मैं दे के परेशान हो चुका, मेरा सब कुछ छिन गया था, न वेतन मिलता 16 साल से, ना अकेले अधिकार ने आदेश मुझे दे के घर बैठा दिया और यहाँ सी ओ साहब कहते गए तुम्हारी सेवा समाप्त हो गई। ये अपने जिला पंचायत सी ओ कलेक्टर साहब ने एक बार अभी आया था, मैं एक तारीख में मेरे उस पर आवेदन दर्ज करके सी ओ साहब वहाँ चले जाओ। फिर मैं बात सी ओ साहब से मिला तो कह रहे भाई मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारी सेवा समाप्त हो गई, अधिकार ने तो सेवा समाप्त नहीं होती है था। आपको आदेश वगैरह कुछ दिए? आदेश वो ये था अधिकार ने इसका, बस। क्या करते थे, कहाँ काम करते थे? ग्राम पंचायत महलुआ में सचिव पद पर कार्य था और मेरे बारे में एक भी था आवेदन नहीं, शिकायत हुई मेरे गाँव की ग्राम पंचायत की और बिल्कुल अनैतिक, ना ग्राम पंचायत से कोई प्रस्ताव लिया ना कुछ भी, ना मुझे अपनी बोलने का मौका दिया गया और बस सचिव अधिकार निरस्त का आवेदन मुझे थमा दिया गया। तो मैं फिर तारा साहब कभी बहाल हो जाऊंगा, अधिकार तो बहुत ही सचिवों के निरस्त सुने था मैंने, मैंने ऐसा नहीं सुना कभी भी कि किसी की सेवा समाप्त हो जाती है। मुख्यालय अटैच कर देते हैं, वेतन भी आदि मिलती है, भी कहते हैं कि कोर्ट चाहे मेरे साहब के पास पैसा नहीं है, कोर्ट जाने जमीन जायदाद है नहीं है साहब, नहीं मिलते हैं साहब कुछ भी नहीं। पे क्या लिखा है? मुझे ही देखा 17 साल से वेतन बंद है साहब, अब आखिरी निर्णय साहब नहीं हुआ तो साहब मरने के सिवा कोई चारा नहीं है मेरा। क्या लिखा है आपके सवाल आपका? देखो और इसमें जी क्या लिखा है, सचिव अधिकार ने इसमें चार्ज नहीं जाता, केवल आयरन वितरण रोकता है, न्याय नहीं तो मरने का आदेश दो। किससे मांग कर रहे हो आप? हमारी तो पूरी वेतन मिले साहब जब से हम बैठे। किससे मांग कर रहे हो मरने का आदेश? किससे? अब यही कलेक्टर साहब को लगाऊंगे हम साहब। साहब कई हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।